वृन्दावनेश्वरी तवैवपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरसौघ हृद्यर्पितं मधुपते सुमर्तापमोग्रं निर्वापय परम शीतल मा निर्वा पयत् परम शीतल माश्रयामि श्रीमद श्रीवृन्दावनधाीवृ avan sri vrindavan sri vrindavan sri वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वश्व वृंदावन श्री वृंदा की परम सचिदानंद घन आनंद स्वरूप पर प्रेम रस प्रवाही श्रीमद श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम के खग मृग पशु पंछी तरुलता रज रानीजू श्री यमुना रस रानीजू समस्त ब्रजवासी परिकर समस्त भगवत प्रेमी महाभागवत जन समस्त सहचरी वृंद और प्राणाधार श्री युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम जो अपार अहेतुकी कृपारस की वर्षा कर रहे हैं और हम सब इस कृपारस में भींज रहे हैं प्रतिपल उपासक ऐसा चिंतन करे कृपा सिंधु की कृपा हमें आकर्षित करते हुए समस्त आशक्तियों और राग के आकर्षण से हटाकर श्री श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम में विश्राम दे रही है ऐसा चिंतन करो हमारे हृदय में जो बाहरी सुख दुख का आकर्षण पड़ रहा है देहाभिमान के कारण इसको सहना होगा सहने से ही ये नष्ट होता है यदि बाहर की कोई प्रतिकूलता बाहर का कोई अपमान निंदा या बाहर की कोई ऐसी परिस्थिति विपत्तिजनक है क्योंकि ऐसा होगा जब आप शुद्ध परमार्थ पथ पर चलना चाहेंगे तो आपके अंतःकरण में ही विरोधी वृत्तियां प्रकट हो जाएंगी आपके परिवार में आपके सुहृदजन ही आपके विरोधी होने लगेंगे मित्रजन ही विरोधी होने लगेंगे अगर आप धैर्यवान नहीं हैं लक्ष्य दृढ़ नहीं है तो ये माया बांध देती है वो आगे नहीं बढ़ पाता जैसे कोई हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ा हो तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता ऐसे ये मोह की बेड़ियाँ हैं जो साधक को आगे नहीं बढ़ने देती एक बेणी जननी जनक बंध सुत दारा तन धन सुहृद भवन परिवारा ये सब बेड़ियां ही तो हैं कोई विवेकवान दृढ़ता पूर्वक जिसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य कर लिया है वही इन बेड़ियों को तोड़ पाता है ये भगवान की माया के द्वारा मोह जनित ऐसी बेड़ियां है कि हम इन्हें सत्य मान करके इन्हें अपना मान करके के अपने हितैषी मान करके इन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं और स्वयं बंधन में बंध जाते हैं अपने माने हुए बंधन को हम स्वयं दृढ़ कर देते हैं तो आपको ही छोड़ना होगा कोई आपको बांधे नहीं है आपको ही छोड़ना होगा आपको स्वीकृति बदलनी होगी आपको अपना राग बदलना होगा जो राग संसार के प्रति है वो प्रियालाल के प्रति है। प्रियालाल के प्रति सीधे किसी का राग नहीं परिवर्तित होता इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं के प्रति जो संसार के प्रति आशक्ति है यदि वो संत सदगुरुदेव के प्रति हो जाए तो वही मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है ऐसा भगवान कपिल देव जी कहते हैं पहला दृढ़ निश्चय करें कि मुझे अब सब कुछ सहना है लेकिन प्रिया प्रीतम से बिलग नहीं रहना है कोई भी वृत्ति कोई भी क्षण हम श्यामा श्याम के चिंतन से रहित नहीं होंगे चाहे जितना मुझे बाहरी दुख दिया जाए बाहरी प्रतिकूलता दी जाए हम विचलित नहीं होंगे श्री नानक जी महाराज एक पद में वर्णन करते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख अरु भय नहीं जाके जाके कंचन माटी जाने सुख सने भय नहीं जाके जाके कंचन माटी जाने। जो जोनर दुख में दुख नहीं माने जो जो दुख, दुख में दुख नहीं माने नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना नहीं निंदा नहीं आस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना हरस शोक ते रहे नियारो ना मान अपमान शोक ते रहे ने नाही मान अपमान आसा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे आता निराशा काम क्रोध जी पर से ना ही ही घट ब्रह्म निवासा काम क्रोध जे पर ते ही घट ब्रह्म निवास गुरु कृपा जोगति पिछानी गुरुगिर पाजी नर पेकीनी ते नया जोगति पिछानी नानकलीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी नानकलीन भयो जो पाने संग पाने। गुरु कृपा पे पैकिनी तिन यह जुगती पिछानी नानक लीन भयो गोविंद ज्यों पानी संग पानी गुरु कृपा जगि नर पैकनी तेन जुगती पिछानी नानक ना भयो गोविंद सौ जो पाने संग पाने। जो नर दुख में दुख नहीं माने जो नर दुख में दुख नहीं माने श्री नानक साहब जी कहते हैं वही उपासक अपने हृदय में भगवत प्रकाश का अनुभव कर पाता है उसी प्रकाश में वो जो भावना करता है इष्ट की चाहे वो राधेश्याम की चाहे श्याराम की या जो भी भगवान नाम की वो अपने हृदय में देखता है उसी ब्रह्म के प्रकाश में अपने आराध्य देव का साक्षात्कार पाता है कौन सा उपासक जो बाहरी दुख को दुख मान करके भगवत विस्मरण के गर्त में नहीं पड़ता ये आएंगे इसका नाम दुखालय है भले आपको भ्रम से लग रहा हो कि मैं सुखी हूं बहुत हमारी सब कामनाओं की पूर्ति होती है जो मैं चाहता हूं वो पूर्ण हो जाता है सब भ्रम है जब चाह ही मिट जाए तब मानना कि आप पूर्ण की तरफ जा रहे हैं चाह हुई और पूर्ण हो गई है तो सुकृत का फल है विश्राम थोड़ी है विश्राम तो यह न नाही कबों कछ यह विश्राम भूमि है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न ये विश्राम भूमि है जहां न कोई शोक है न कोई चाह है आप ऐसे धैर्यवान बनो नहीं तो विचलित हो जाओगे कोई भी दुख विपत्ति संकट आपके जीवन में आए तो आप भगवत स्मरण न छोड़ना बस इतनी बात आप पकड़े रहना अगर स्मरण छूट गया तो वो विपत्ति वास्तविक विपत्ति हो गई यदि हो रहा तो विपत्ति आनंद का स्वरूप बन जाएगा भगवत स्मरण प्रायण साधक के मार्ग का हर सूल फूल बन जाता है भगवत विमुख जीव के मार्ग का हर फूल सूल बन जाता है सावधान होकर के इस बात पर ध्यान दें भगवत मार्ग का उपासक भगवत स्मृति परायण होकर जब कदम आगे बढ़ाता है तो हर सूल फूल बन जाता है कहीं ऐसी कोई बाधा नहीं कि उसे परास्त कर सके जो भगवत विमुख है उसे दिखाई दे रहा है फूल बिछे हुए हैं पर हर फूल सूल की तरह चुभेगा और उसको नष्ट कर देगा कोई भी ऐसी दुख विपत्ति नहीं जो भगवत स्मरण परायण हृदय में क्षोभ पैदा कर सके का हनुमंत विपति प्रभु जब तो सुमिरन भजन न होई जब भगवत विस्मरण है यही सबसे महान दुख है भगवत स्मृति ही परमानंद का मूल है वो भगवत स्मरण परायण है तो क्या करेगा दुख ये दुखालय है ये मृत्यु लोक है मरना है ये विश्वास करो ये शरीर छूटेगा कोई न कोई बहाना आएगा कोई न कोई विपत्ति आएगी कोई न कोई रोग आएगा और इस शरीर से हमें अलग करेगा इसमें क्या भयभीत होना क्या डरना बस डरना इस बात का है कि कहीं हम प्रभु का विस्मरण न कर बैठे हम अपने प्राणनाथ श्री श्यामा श्याम को भूल न जाए खास बात यह है गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं कि जो कभी सांसारिक सुख में सुख नहीं लेता महापुरुषों के वचन सबका सार सिद्धांत एक ही पाया गया है चाहे जितने बड़े बड़े महापुरुषों के वचन पढ़ के देखो शब्दावली बदली है बात एक ही है ये देखो, संसारी पुरुष तो इस समय कटाक्ष करेगा सुख का अवसर आया हम सुखी क्यों ना हो लेकिन नानक साहब कह रहे हैं सुख के अवसर पर सुखी मत होइएगा ये गुरु कृपा पात्र ही युक्तियों को अपने आचरण में उतारता है और सुख दुख में संसार के थपेड़ों से बचकर परमानंद में डूबता है यदि कोई दुख आ रहा है तो उसे दुख मत मानो क्यों नहीं माने दुख आ रहा है हम दुख क्यों नहीं माने इसलिए नहीं माने कि हमारा भगवत स्मरण चल रहा है प्रभु सुख समुद्र है और बाहरी जो परिस्थिति आई जिसे आप मान रहे थे ये सुखद है वो दुखद ही है दुखालय में सुख है ही नहीं तुम जान नहीं पा रहे थे पर्दा हट गया तो दुख में दिखाई देने लगा ये दुखालय है संसार इसमें सब दुख है तुम जिसे सुख समझ रहे हो वो सुख नहीं सुख की छाया है समझ पड़ती नहीं है गिरधर की माया है केवल दुख ही दुख है वो दुख सुख का भोगता मन जब प्रभु के स्मरण में लगा हुआ है तो दुख क्या करेगा कुंती माता जी बार बार प्रभु से यही प्रार्थना करती हैं। जब देखा कि कार्य हो गया तो प्रभु पीठ करके जा रहे हैं द्वारिका की तरफ तो रो पड़ी कि मुझे ऐसा सफलता विजय अनुकूलता संपत्ति सुख नहीं चाहिए जिसमें आप हमारी तरफ पीठ करके जा रहे हैं मैंने जब देखा कोई विपत्ति आई तो आप भागते हुए आए तो मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें आपके सन्मुखता हो जिसमें बार बार आपकी स्मृति हो और आप भागते हुए निर्भय वचन उच्चारण करते डरो मत मैं आ गया मैं वो रूप देखना चाहती हूँ इसलिए मुझे पग पग पर प्रतिकूलता दीजिए विपत्ति दीजिए जिसमें आपकी स्मृति में डूबे आपका दर्शन हो ऐसी संपत्ति ऐसा सुख किस काम का आप द्वारिका जा रहे हैं आप पीठ कर लिए हमारी तरफ से नहीं चाहिए हमें ऐसी सुख संपत्ति सुख और दुख का भोगता जब मन प्रभु के चिंतन में लगा हुआ है तभी आप जीत सकते हैं तभी आप कोई विपत्ति विपत्ति नहीं रहेगी कोई सुख सुख नहीं रहेगा क्योंकि आप ऐसे सच्चे सुख में मगन होंगे कि यह सुख दुख आपका स्पर्श नहीं कर सकता सुख दुख संगई है यदि सुख दुख का प्रभाव पड़ रहा है तो मन अभी भगवत स्मृति के आनंद का अनुभव नहीं किए पक्का जिस दिन भगवत स्मृति के आनंद में आपका मन थोड़ा भी स्पर्श करेगा तो ये सुख दुख प्रभावहीन कर देगा है। वो आनंद ये संसार का बड़े से बड़ा दुख बड़े से बड़ा कहे जाना वाला सुख उसके लिए हे हो जाएगा गुरु नानक साहब कहते हैं जो साधक दुख में दुख नहीं मानता और सुख में सुख नहीं भोगता वो सुख का भोगता नहीं बनता हर्षित नहीं होता यदि भगवत विस्मरण करके हर्षित होकर के उस सुख के भोक्ता बन गए तो जबरदस्ती आपको दुख भोगना पड़ेगा अगर भगवत स्मृति परायण है और उसके प्रति विवेक पूर्ण विचार से आप सोच रहे हैं आया हुआ सुख क्या सुख है ये इंद्रियों का विलास क्या सुख है नहीं स्वीकार करते हृदय से व्यवहार में भले बर्ताव में हो रहा है लेकिन हृदय से आप हर्षित नहीं हुए आप भगवत स्मृति को नहीं छोड़ा तो आप सुख के भोगता नहीं बने कह रहे शनेह ये शनेह हमें फंसाता है किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु स्थान से हम स्नेह कर बैठते हैं नहीं करना यह स्नेह केवल प्रियालाल के चरणों से करना है जो हृदय का द्रवित होकर के अपनापन करना है यह हमें किसी से नहीं करना केवल प्रियालाल से करना है पहले नेति नेति स्वीकार करना होगा ये नहीं है ये नहीं है इतना ही नहीं है आगे बढ़ो आगे बढ़ो हमारा परम तत्व का रसमय स्वरूप है श्री श्यामा श्याम हमारा स्नेह का पूर्ण केंद्र है इनके चरण इनका नाम इनकी लीला हमें और कहीं स्नेह नहीं करना देखो महापुरुष जन कह रहे हैं। ये स्नेहवान पुरुष स्वयं अपने को फसाता रहता है स्नेह रहित रहो देखो प्रीति करनी है सबसे भगवत भाव से करनी है लेकिन हमारा स्नेह कहीं ना होने पावे स्नेह केवल बिहारी से हो प्रेम हमारा केवल बिहारी बिहारी हो ये सावधानी है देख लो कहीं स्नेह ना होने पावे ना इस देह से ना देह के संबंधियों से ना देह के भोगों से तभी आप जीवन मुक्त होंगे कह रहे गुरु कृपा से कोई युक्ति जान पाता है व्यवहार सबसे मृदु करो मंगल में करो लेकिन ऐसा व्यवहार करो कि उसकी याद ना न पावे अगर याद आ रही उसकी तो स्नेह हो रहा है याद का विषय केवल भगवत प्रेमी जन और प्रियालाल। बस भजबे को दो ही भले कह हरि कह हरिदास प्रियालाल या प्रियालाल के अनुरागी जन बस ये हमारे स्नेह का विषय है श्यामा श्याम उनके अनुरागी जन गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं कहीं भी स्नेह ना होने पावे और कहीं किसी से भय भी ना होने पावे कभी भयभीत ना हो भय तभी होता है जब हम शरीर भाव में होते हैं यदि हम भगवती स्मृति में हैं तो ऐसा खुद विवेक हृदय में प्रकाशित होता है कि भय नहीं रह जाता शरणागत का पहला लक्षण है निर्भय सोचता है कि जिनका मैं स्मरण कर रहा हूं वो प्रभु मेरे समीप है जब प्रभु मेरे समीप है तो कौन भय मेरे को परास्त कर सकता है कौन है मेरा नाश कर सके क्योंकि मेरे गोविंद हर समय मेरे साथ हैं। देखो पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया और भगवत पार्षद प्रकट हो गए यमदूतों को डांट लगाई अर्थात हर समय भगवान की दिव्य शक्तियां तैनात है यह संसार कोई अनाथ नहीं है दीनानाथ, ईश्वर परमात्मा ब्रह्म भगवान जिनको पुकारा जाता है वो सर्वत्र उनका शासन है कोई हमें कैसे भय प्रदान कर सकता है हम प्रभु के शरणागत हैं। में रहना चाहिए। भयभीत नहीं होना चाहिए सुख दुख में प्रभु का विस्मरण करके भोगता नहीं बनना चाहिए दुख सुख का दुख सुख का भोक्ता तभी बनोगे जब प्रभु का स्मरण छोड़ दिया दुख आया तो शोकित हो गए सुख आया तो हर्षित हो गए और स्नेह किसी से नहीं करना क्योंकि जितने नाम रूप हैं इन सब में मेरे प्रभु विराजमान हैं ये बात जानने के लिए पहले हमें इन नाम रूपों से स्नेह हटाना होगा जब प्रभु में स्नेह हो जाएगा तो ये अनुभव आएगा जित देखू तित श्यामयी सर्वत्र प्रभु ही हैं इसलिए स्नेह है रूपी धन केवल बिहारी जी को देना है केवल प्रिया प्रीतम को देना है और भय कहीं करना नहीं है कि हम इससे प्रेम का व्यवहार नहीं करेंगे इससे हम बात नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा नहीं हमें कोई चिंता नहीं करनी क्योंकि योगक्षेम हम मेरा प्रभु और अभयद भुज दंड मूल ऐसी भुजा वाले प्रभु अजान बाहु उनकी भुजाएं फड़कती रहती है अपने भक्तों की रक्षा के लिए शरणागत अभय विरत पतित पावन बाने कैसे कोई भक्त को भय प्रदान कर सकता है इसलिए हम भय भी ना करें और कंचन और माटी दोनों को हम बराबर करके माने हमारे लिए सोना और मिट्टी समान भाव हो यह कब होगा जब हमारे हृदय में भगवत स्मृति में धन बुद्धि हो जाएगी परम धन राधा नाम आधार हमारे हृदय में जब ये महत्व बुद्धि बैठ जाएगी कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो जिसके हृदय में नाम चल रहा है नाम पे महत्व बुद्धि है नाम पे परम धन बुद्धि है उसके हृदय की दशा ऐसी हो जाती है समलोष्टास्म कांचना पत्थर का टुकड़ा माटी का टुकड़ा और सोने का टुकड़ा बराबर हो जाता है वो विवेकवान देखता है कि जब चार चार लाख योजन के पहाड़ सोने के हैं ऐसे जैसे मिट्टी के पहाड़ पत्थर के पहाड़ ऐसे स्वर्ण के पहाड़ क्या महत्व स्वर्ण का हम उसको महत्व तो देते हैं इसीलिए तो स्वर्ण का महत्व तो है अब वो महत्व बुद्धि नाम पे कर लिया सच्चिदानंद प्रभु के स्मरण में कर लिया तत्व पे हो गई तो उसके लिए सोना और माटी समान हो जाता है पर ऐसा नहीं कि वो व्यवहार में माटी की जगह माटी ही रखेगा सोने की जगह सोना ही रखेगा वो तिजोरी में माटी नहीं रखेगा फुटपाथ में सोना नहीं फेंकेगा समझना है उसके हृदय का राग खत्म हो गया पर व्यवहार में यदि कोई भगवत प्राप्त महापुरुष है और उसके ऐसा तो आपको लगेगा कि अगर इनको समलोष्टास्म कांचना की स्थिति प्राप्त होती तो ये सोना तिजोरी में संपत्ति रुपया पैसा तिजोरी में क्यों रखते क्योंकि वो तिजोरी में रखने वाली बात है व्यवहार में वो ऐसे ही भेद करेगा जैसे समदृष्टि में वो पत्नी में पुत्री में बहन में सब में एक ही भगवान देख रहा है पर व्यवहार में बहन से राखी बंधाएगा बन, पुत्री के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद देगा और पत्नी से अर्धांगिनी का व्यवहार करेगा व्यवहार ठीक वैसा ही ऐसा नहीं कि उसको ब्रह्मानुभूति हो गई तो जो पत्नी के साथ व्यवहार वही बेटी के साथ वही बहन के, के नहीं व्यवहार ठीक वैसे ही होगा शास्त्र मर्यादा के अनुसार पर चिंतन में एक ही तत्व विराजमान ऐसे ही चिंतन में महत्व बुद्धि कहीं नहीं है पर व्यवहार में जो जहां जैसा होता है वैसा ही व्यवहार करेगा गुरु नानक साहब कह रहे हैं जिसके हृदय से मिट्टी और सोने के प्रति बराबर भाव हो गया है अर्थात स्वर्ण का धन का जो महत्व भाव है वो भगवान नाम में भगवत रूप में भगवत लीला में हो गया तो सब व्यर्थ हो जाता है नहीं निंदा ना तो किसी की निंदा करे और ना अपनी निंदा सुन करके नाराज हो एक पद में श्री चरणदास जी ने कहा है साधो निंदक मित्र हमारा सा निंदक मित्र हमारा तक को निअरे हीरा खो हो न दे निंदक को नि हमारा साधो निंदक मित्र हमारा पाछे निंदा करी अग धोवे सुनी मन विकारा बिकारा निंदा करी अगधो सुनी मन मिटे निकारा जैसे सोना तापी अग्न में निर्मल करे सुनारा जैसे, जैसे सोना तापी अग्न में निर्मल करे सुनारा साधो निंदक मित्र हमारा साधो निंदक मित्र हमारा घन आहरण कसी हीरा बूटे कीमतल हजारा घर कसी ने बट कीमत लक्ष हजारा ऐसे जाचत दुष्ट को करन जगत उजियारा ऐसे जाच दुष्ट को करण जगत उजियारा साधो निंदक मित्र हमारा साधो मित्र हमारा जोग यज्ञ जप पाप कटन कर सकल संसारा जोग यज्ञ जप पाप कटन सारा बिन करनी मम करम कठिन सब मेट निंदक प्यारा बिन करनी मम करम कठिन सब मेट निंदक प्यारा सा साधो निंदक मित्र हमारा साधो निंदक मित्र हमारा सुखी रहो निंदक जग माही। रोग न हो तन सारा सुखी, सुखी रहो निंदक जग माये रोग न हो तन सारा हमारी रे भव निधि पारा उतरे भव निधि पारा साधो निंदक मित्र हमारा साधो निंदक मित्र हमारा, हमारा निंदक के चरणों की अस्तुति भाखों निंदक के चरणों की अस्तुति भाखो बारंबारा चरण दास कहे सुनियो साधो भारा साधो निंदक मित्र हमारा साधो निंदक मित्र हमारा श्री चरण दास जी कहते हैं कि हे साधु को ऐसा निश्चय करो कि ये जो निंदा करने वाले हैं ये बहुत कृपाल है हम पे बहुत कृपा कर रहे हैं कभी भगवान इनको हमसे दूर ना करें ये सदैव हमारे आस पास ही रहे ये हमारे आस पास ही रहे कभी मत मनाओ ऐसा कि प्रभु ये हमारी निंदा करता है ये दूर हो जाए नहीं वो कह रहे निंदक को नियरे ही राखो होन न देव न्यारा यदि कोई हटा रहा हो तो व्यवस्था करो पास रखो तो अपनी तरफ से व्यवस्था करे बोले हाँ निंदक नियर राखे आंगन कुटी छवाए आप और व्यवस्था करो उसकी खान पान की व्यवस्था करो तभी तो संतों के चरित्रों में देखा गया तो लगता था कैसे बावरे हैं जो इनकी निंदा कर रहे है अपमान कर रहा है उसी को गर्म करके दूध और मीठा मिला के अपने हाथ से पवा रहे श्री मग्नानंद सरस्वती जी महाराज सेनपुर एक संत वेशधारी आए बाबा बड़े ही निरपेक्ष रहते थे बाबा सरकार अपने लोग सब उनको कहते थे निरंतर भगवत समाधि में डूबे रहते थे किसी से कोई व्यवहार नहीं लेकिन वो जो निंदा करने वाला बाबा सरकार की जब आया तो बाबा सरकार जो स्वयं दूध लेते थे वो गर्म करके मीठा करके उसको दे ले जाते शिवानंद स्वामी और भी बड़े बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष बाबा सरकार के शिष्य थे वो कहते कि महाराज ये तो बहुत ही गलत बोलता रहता है उद्दंडता करता है इसे आश्रम में बिल्कुल टिकने न दो निकाल दो तो कहते थे नहीं नहीं इसे जरूर रखो और सब चाहो जाना चाहो तो चले जाओ इसे रखो तभी यह लगता है कि मतलब कैसा ये देखो महापुरुष जन कह रहे हैं कि नींदक को तो समीप ही रखो और अपनी तरफ से आंगन कुटी छवाए व्यवस्था करो उसके वास की व्यवस्था करो चरण जी कह रहे हैं अपने निंदक को कभी अपने से दूर ना होने दो भैया तुम कभी दूर मत जाना तुम्हारे पैर छू कृपा करके पास ही रहना आहा। ये ये साधु ये साधक की आंतरिक वृत्ति वास्तव में तो ये हमारा साचा मित्र है जो हमारी निंदा करता है जो पाप बड़े बड़े जब तप पूजा पाठ और साधना करवे से भी ना कटे वे निंदक महाराज क्षण में काट दे हैं। ये देखो लाभ की बात महापुरुषों ने देखा कि जो अपराध जन्म जन्मांतरों के हैं और भजन करवे से बड़ी साधना करवे से भी उनको काटना मुश्किल है वो निंदक एक क्षण में निंदा करके तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर देता है आप आनंदित हो बड़ी कृपा करी बिना भोगे बिना कोई प्रायश्चित किए हमारा पाप नष्ट हो गया जब सभा में निंदा होती है या कोई निंदक उनकी निंदा करता है तो उनके जो भगवत मिलन में बाधा पहुंचाने वाले पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते कितना मंगल में है लेकिन हृदय जलता ऐसा लगता है बाद में मंगल हो या मंगल इससे मतलब है पहले इसके थप्पड़ लगाओ तो मुझ वैष्णो की निंदा करता है पता है मैं कितना भजनानंदी हूं ये अहंकार देवता बर्दाश्त नहीं कर पाते बकाया है बहुत बढ़िया हाँ औषधि जान के कोई पापाचरण करे ना और जब निंदा हो रही तो आनंदित होना चाहिए मेरे प्राण प्यारे प्रभु ने कोई मंगल विधान किया कोई ऐसा प्रारब्ध था जो बहुत बुरा भोगना पड़ता प्रभु आज निंदा करा करके उसे नष्ट करवा रहे हैं बलिहारी है इन निंदक भगवान की जो बिना भोगे बिना प्रायश्चित किए हमारे पाप का नाश कर रहे हैं ये काम निंदक भगवान सहज रूप से कर दे हैं जब हमारी पीठ पीछे निंदा करे हैं तो भयंकर से भयंकर दुख और पाप का परिणाम जो विपत्ति आने वाली थी वो नष्ट हो जाती है देखो तो कितना बढ़िया कार्य है यदि कोई हमारी निंदा कर रहा तो कितना बड़ा सहयोग कर रहा है ये हम समझ नहीं पाते और हम जलने लगते हैं कि हमारा अपमान करता है हमारी निंदा करता है वो पीठ पीछे हमारी निंदा करके हमारा भयंकर से भयंकर पाप दुख विपत्ति जो आने वाली थी जो भगवत प्राप्ति में बाधा थी वो नष्ट कर रहा है दूसरी बात जब हम उनकी बात सुने कि हमारी इस विषय में निंदा हो रही तो हमें देखना चाहिए कहीं मैं गलत तो नहीं हूं यदि वास्तविक गलत है तो हमें तत्काल सुधार लेना चाहिए अगर लगता है कि नहीं गलत नहीं है तो आनंदित होना चाहिए हमारा प्रारब्ध नष्ट हो रहा है पूर्व का भयंकर कोई ऐसा कर्म भगवान इस निंदक की जिभ्या पे बैठ कर हमें पावन कर रहे हैं बिना भोगे बिना प्रायश्चित के वो पाप नष्ट हो रहा है जैसे कोई सुनार सोने को अग्नि में तपाए तपाए के निर्मल कर ले है और जैसे घन की अनेकन चोट झेलिबे सो हीरा की कीमत हजारन लाखन की हो जाए है ऐसे ही ये जो दुष्ट रूप भगवान भक्त की निंदा करते हैं उनको भगवान ही समझे भगवत भावना ही रखे वो जो निंदा करते अगर सह गए तो तुम्हारी कीमत बढ़ गई जैसे हीरा में घन की चोट पड़ती है और सह गया तो कीमती हो जाता है जैसे आग में तपने पर सोना चमकने लगता है ऐसे जब निंदा तुम्हारी होगी तो तुम पवित्र हो जाओगे तुम चमकने लगोगे तुम्हारा यश का विस्तार होगा तुम्हें भगवत मिलन का सौभाग्य प्राप्त होगा ये जो दुष्ट जन हैं, यह संतन की कीर्ति फैलाएवे वाले हैं ये संतन को कसौटी पे कसी कस के संसार में प्रकाशित करे हैं सच्ची बात अगर ये विरोधी जन ना हो तो संत की महिमा प्रकाशित ही ना हो अपने अपने पापन को काटवे के ताई सबरो संसार बड़े बड़े जोग यज्ञ तप जप करे है परंतु बिना कुछ किए ये निष्पाप कर देने वाले निंदक भगवान है ये निंदा करी करके संतन के हृदय के उस पूर्व से पूर्व जो भी मलिनता है सबको दूर कर देते हैं श्री चरण दास जी कहते हैं कि मैं भर हृदय से आशीर्वाद देता हूं अपने निंदक को कि कभी इसको बुखार भी ना आए क्योंकि बुखार आएगा तो निंदा नहीं कर पाएगा निरोग रहे स्वस्थ रहे समीप पे रहे और ऐसा नहीं कि निंदा करके नरक जाएगा बोले नहीं मैं आशीर्वाद देता हूं कि भव समुद्र से पार हो जाए कैसे संत होते हैं संत हृदय क्या होता है? इसीलिए तो समझ पाना बड़ा मुश्किल है आह, संत हृदय की महिमा कह रहे हमारी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पारा कैसे कैसा हृदय अनुमान भी नहीं लगा सकते जो रोज जलन भरे शब्द बोलता है निंदा करता है उसे कभी जुखाम बुखार भी ना हो कभी दूरी ना जाए समीप पास रहे जीवन भर निरोग और सुखी रह के निंदा करो मरने के बाद भगवान को प्राप्त हो ये मैं आशीर्वाद देता हूं ये है संत हृदय ये है भगवत प्रेमी महात्माओं का हृदय हमारी निंदा करवे वाला भव सागर से पार हो जाए मैं अपनी निंदा करने वाले के चरणों की बार बार स्तुति करता हूं कि हे निंदक भगवान इस संसार से पार होने के लिए आपने बहुत बड़ी सहायता की नहीं तो एक कर्म भोग हमें साधन में बाधा पहुंचा देता आपने निंदा करके हमारे उन कर्मों को नष्ट कर दिया आप बड़े सहयोगी हो निंदक के चरणों की अस्तुति भाखों बारंबारा चरण दास कह सुनियो साधो ये निंदक साधक भारा ये बहुत बड़ी सहायता की हमें भगवत प्राप्ति में जो हमारे कर्म हमें प्रभु से मिलने में बाधा पहुंचा रहे थे वो निंदक ने निंदा करके हमारे उन कर्मों को नष्ट कर दिया इसलिए गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं कि नहीं निंदा नहीं अस्त जाके लोभ मोह अभिमाना यदि कोई आपकी बड़ाई कर रहा है तो आप उसे स्वीकार मत कीजिए वो आचार्य गुरु कृपा से आप में सदगुण आए हुए हैं यदि आप बड़ाई स्वीकार कर लेंगे पूजा स्वीकार कर लेंगे मान स्वीकार कर लेंगे तो देहाभिमान पुष्ट हो जाएगा आपका मार्ग बाधित हो जाएगा जब कोई आपकी स्तुति करे तो अनसुनी कर दीजिए कानों में अंगुली डाल दीजिए जब कोई आपकी बड़ाई करे तो कान में उंगुली डाल लो जब कोई दूसरे की बुराई करे तो कान में उंगुली डाल लो जब कोई दूसरे की बड़ाई करने लगे तो उंगुली हटा लो एकदम खुला सुनो जब आपकी बुराई करने लगे तो खुला सुनो जब आपकी बुराई हो तो सुनो दूसरे की बड़ाई हो तो सुनो जब दूसरे की बुराई हो आपकी बड़ाई हो तो कान में अंगुली लो, मत सुनो नहीं तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे लोभ मत करो भगवान नाम रूपी महान धन गुरुदेव ने दे दिया है नाम सुकृत धन अपनी जीवन इसको कमाओ इसको अधिक से अधिक संग्रह करो ये लोक परलोक सब जगह आपके साथ रहेगा पर आप नाम जापक हैं आप बड़े भगत हैं ऐसा अभिमान भी मत करो श्री नानक जी कह रहे हैं हर्ष शोक ते रहे नियारो ना ही मान अपमाना किसी भी वस्तु व्यक्ति के मिलने पर हर्षित ना हो किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के बिछोड़ने पर नष्ट होने पर शोकित मत हो सबसे अलग रहो मान अपमान दोनों को समान भाव से सह जाओ आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा किसी से कोई सुख की आशा मत रखो ये जो मन नाना प्रकार की भोग वासनाएं की संकल्प करता रहता है इसके भी साक्षी बनो इसमें भी तदात्म मत हो आशा मनसा सकल त्यागी के समस्त आशाओं का त्याग करो मन के द्वारा संकल्प विकल्प जो भोगों को होता है साक्षी भाव से उससे भी अलग रहो और जगते रहे निराशा संसार से निराश हो जाओ मुझे प्रिया लाल चाहिए संसार प्रसन्न हो या नाराज हो इसकी परवाह भी मत करो काम क्रोध जय परशय नाहिं ते घट ब्रह्म निवासा जिसके हृदय में काम क्रोध आदि विकार क्षीण हो जाते हैं वहां भगवत साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है काम क्रोध मदमान न मोहा लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा जिनके कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बशहू रघुराया साक्षात प्रभु उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं देखो ये जो काम वेदना है बहुत बड़ा प्रश्न है संपूर्ण प्राणियों का क्योंकि सब कामना से ही प्रकट हुए इसलिए संस्कार सबके शरीरों में अंतःकरण में काम के हैं ये किसी एक का प्रश्न नहीं है किसी एक के समस्या नहीं सबके हृदय में है जब हम मन में तदात्म हो करके सुख बुद्धि करके चिंतन करते हैं तभी हम फंस जाते हैं सच्ची मानिए बिल्कुल सुख नहीं है आप अज्ञान के कारण अविद्या से ग्रसित होने के कारण जैसे शराबी आदमी नाली में गिरता है तो अपने को समझता है कि ब्रह्मानंद में मगन है उसको लगता है अमृत के कुंड में वो कर रहा है नाली में पड़ा है उसे बात करके देखो तो बादशाह वाली बात करेगा बस ठीक ऐसे ही मोह मदिरा पान किए हुए हम आकर्षित हो रहे हैं। कहा सुख है धैर्यपूर्वक विचार करके देख लो थोड़ी देर भगवती स्मृति में युक्त होकर के विचार करो काम में कौन सा सुख है मलिन मन होने के कारण अविद्या ग्रसित होने के कारण आप इन पेशियों को सुख का केंद्र समझ रहे थोड़ा विचार करके देख लीजिए कहां सुख है कौन सा सुख है आप विचार कीजिए विचार रहित होने के कारण पशुता होने के कारण आपके द्वारा ऐसी चेष्टाएं हो रही कहीं सुख नहीं आप भजन कीजिए खुद आपका मन आपको बताएगा कहां सुख है ये कोई ज्ञान विज्ञान की बात नहीं वास्तविक बात है कि कहीं सुख लही है यह तभी आपके समझ में आएगा जब भजन आप देखना यही तो भजन का आनंद होता है एक दिन जिन विषयों ने भयभीत कर दिया आज भजन का प्रताप वही विषयों की बाहुल्यता पर मुस्कुराता हुआ साधक जाता है हंसता है अपनी उन चिंतन की वृत्तियों पर कि अरे मैं रस्सी के सांप मान करके भयभीत हो रहा था ये तो मुर्दा रस्सी है इसमें तो कोई चेतना ही नहीं है तब समझ में जब नजदीक पहुंचे दूर से ऐसा लग रहा था सांप हुए काट रहा है काट लेगा बिल्कुल विश्वास मानिए ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है विचार मलिन होने के कारण शरीर राग उत्पन्न हो गया है और उससे आपको लगता है कि इसमें सुख है काम चेष्टा में क्योंकि मूल काम ही है ये क्रोधादि जो वृत्तियां सब इसी की उपज है मूल काम है अगर आप विचार पूर्वक देखिए तो किंचन मात्र कहीं सुख नहीं बलिहारी है माया की मलमूत्र के भांड शरीर पर मलमूत्र के द्वारों पर वो भगवान की प्राप्ति का अवसर नष्ट कर देता है जो समय मिला है सच्चिदानंद की प्राप्ति का चिंतन कर और समझता मेरे बड़े भाग्य हैं अरे भाई अगर वो भाग्य होता तो जिसका वो शरीर है जिस पर तुम आकर्षित हो रहे हो वो तो कृतकृत्य हो जाता ना श्री भरतरी जी को इसी बात पे तो वैराग्य हुआ क्यों सुंदर रूप देखकर पिंगला पर आशक्त हुए पिंगला सुपाल पर आशक्त अश्वपाल वैश्या पे है कहां है अगर सुख होता तो थीर हो जाता ना मन विश्राम पा जाता कि अब कृतकृत्य भया हूं मैं अब कछुनाथन चाहे मोरे हो जाता ना नहीं हुआ ना तो है ही नहीं ना केवल भ्रम है ए भ्रम से निकलो भ्रम से निकलो ये आपने ही माना है भ्रम इसलिए आपको ही छोड़ना होगा नाम जब करते रहो मार्ग में चलो तो आप में ऐसी विवेकवती बुद्धि आ जाएगी कि असली में सुख नहीं है ये आपको भ्रम से लग रहा है जैसे भ्रम से हमें रस्सी में सांप लग रहा था जैसे भ्रम से हमें सीपी में चांदी लग रहा था जैसे भ्रम से एक शराबी मान लेता मैं बहुत सुखी हूं कितनी गंदी जगह पड़ा होता है देखा है सबने देखा है एक कैसी गंदी जगह जहां लघुशंका लोग कर रहे हैं वही वो, वो पड़ा है और अपने को समझ रहा है जैसे बादशाह के महल में पड़ा हो तो वो मूर्ख तब तक नहीं समझेगा ना जब तक नशा नहीं उतरेगा जब नशा उतरेगा तो उसे खुद समझ में आ जाएगा अभी मोह मदिरा पान किए हुए हम उन्मत्त हैं इसलिए मलमूत्र के भांडों पर आसक्त होकर के सच्चिदानंद प्रभु से विमुख हो रहे हैं और हम चिल्ला रहे हैं अरे हमें काम सता रहे है हमें काम बहुत परेशान किए हुए हैं कहां है काम कहां है काम आप हमें बताओ कि यह काम है अरे आपकी वासना है आपकी वृत्ति है आपकी स्वीकृति है आप अपनी स्वीकृति को बदलिए बताइए है, है कहां काम कौन है काम यही श्याम ही काम है श्याम ही दूसरा नहीं है प्रद्युम्न जी के रूप में अवतरित हुए नहीं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कामा अवतार प्रद्युम्न दूसरा नहीं यही है पकड़ो ये श्याम सुंदर ही ठग रहा है ये अगर नाम जापक संतों का संग मिल जाए उनसे युक्तियां पता चल जाए तो ये कुछ नहीं है ऐसा मत समझो रुचि ही नहीं रहे मतलब आश्चर्य की बात है रुचि ही नहीं सत्य वस्तु का बोध होने पर रुचि ही नहीं ऐसा कैसे हो सकता है नकली वस्तु नकली अंगूर कभी खाओगे टंगे बढ़िया हरे भरे ऐसे दिखाई दे रहे आपसे कहा जाए खाओ तो बोले पागल हो नकली ठीक नकली है ये सब असली सच्चिदानंद में प्रभु है यह प्रवचन का विषय ल जब तक हृदय में भजन नहीं होगा विवेक नहीं जागृत होगा तब तक सब नाटक चलता रहेगा ज्ञान वैराग्य का प्रवचन होगा एकांत में काम चेष्टाएं होंगी विश्वास कर लीजिए इसे ज्ञान विज्ञान प्रवचन से नहीं रोका जा सकता ये रुकेगा तो सिर्फ भजन से रुकेगा जब अंदर थसाठस थस माल भरा है ना भगवदानंद का जरूरत ही नहीं पड़ेगी जरूरत यह बार बार हम हृदय की बात करें शब्द नहीं हम कह पा रहे आप बिल्कुल परेशान मत हुई देखा इस हृदय को देखा है। दोनों बातें देखी है एक देखा है काम की विकलता और एक देखी भगवान की कृपा दोनों को देखा है आप विश्वास कर लीजिए आप आगे बढ़िए नाम जप करते हुए जिन विषयों से डरते हैं उन्हीं विषयों की बाहुल्यता पर कहीं मन की सुई ऐसे जैसे घड़ी से, से जो जहां सेकंड में मिनट में घंटे में वही सुई रहेगी ऐसे ही भगवत कृपा से होता है जहां यह विद्या से हटा तो मन वहीं अचल हो गया भगवान के चरणार विद पर अब वो विश्व ब्रह्मांड के सारे सुख उसके सामने हो फिर भी मन चलाए मान रहे हो बलिहारी है अगर प्रभु की शरणागति और प्रभु के भजन में बल ना होता तो निश्चित समझो हम हृदय से कहते हैं हम सभा में कह देते कि सब नाटक है कुछ नहीं होता पूरा जीवन हो गया जलते हुए बिल्कुल सच्ची मानिए बहुत कृपालु भगवान नाम है बहुत कृपालु प्रभु के चरणार विंद है इनके आश्रय से कर तुम अकर तुम मन्नता कर तुम सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु अरे जिसके हृदय में नाम चल रहा है चरणों का चिंतन चल रहा है प्रभु जिसके आश्रय दाता है उसको कोई परास्त कर सके सीम की सके कोतासु बड़ रखो आर रभापति जासु महत्व तो खत्म हो गया खत्म सब श्री सुखदेव जी को ब्रह्मबोध हो गया है इस बात की परीक्षा के लिए जनक जी ने महल में रखा सोलह वर्ष की अवस्था की आयु रहती थी शरीर की और दिगंबर नंग धड़ंग नौ युवतियां सात दिन सात रात्रि आलिंगन चुम्बन हंसना खेलना खवाना पिलाना विनोद करना और रोज की खबर पहुंचती कि कैसे हैं परमहंस जी बोले महाराज जैसे आए थे वैसे यह कोई फर्क नहीं है बोले अब उनको बताओगे ब्रह्मबोध हो गया है यह है भगवत साक्षात्कार नाना प्रकार की भोग सामग्रियों की बाहुल्यता और आपका मन स्वीकार न करे क्योंकि नकली है जैसे हम जान गए कि सेव अनार ये अंगूर साफ प्लास्टिक के नकली टंगे हुए हैं तो आपका मन नहीं होगा खाने का ऐसे ही ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए अभी कुछ समय हुआ भजन करते हुए उसमें भी असाधन आप कर रहे हैं फिर आप कहते हैं भक्ति करते हुए भजन करते हुए इतना समय हुआ अभी तो हमारे अंदर बहुत काम है बहुत क्रोध है ये है वो है घबराओ मत आप साक्षी भाव धारण कीजिए खूब भजन कीजिए आप में भी ऐसी शीतलता आ जाएगी कि कोई आपको परास्त नहीं कर पाएगा श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि काम क्रोध जिसके हृदय से नष्ट हो जाते हैं उसके हृदय में भगवान प्रगट हो जाते हैं वाल्मीकि जी ने भी यही कहा काम क्रोध मदमान मोहा लोभ न छोभ राग नहीं द्रोहा जिनके कपट दम्ह नहीं माया तिनके हृदय बसो रघुराया आप विश्वास कर लेना भजन की कमी है इसलिए ये मोह मदिरा चढ़ी हुई है और हम भाग रहे विषयों के प्रति जिस दिन भजन का आनंद आ जाएगा अरे कैसी बात करते हो विश्व के सारे भोग एक साथ आपको प्राप्त हो जाए फिर भी ना नहीं स्वात्मा रम विषय मृग तृष्णाम भ्रम ऐसा हो ही नहीं अच्छा चलो पूरा ज्ञान नहीं हुआ लेकिन किसी विश्वसनीय ने कह दिया ये खीर बनी इसमें जहर मिला है आप खा सकते हो क्या नहीं खाओगे ऐसे ही गुरु से ज्यादा विश्वसनीय कौन होगा उन्होंने बता दिया है जितने भोग हैं ये सब विष से भी ज्यादा विषय कोई तत्व तो नहीं इसमें कोई आनंद नहीं है केवल आभास मात्र हो रहा है जैसे जैसे रस्सी में सर्प का आभास हो गया मरुभूमि में एक बूंद जल नहीं पर जल निर्मल जल भरा है ऐसा आभास हो गया ऐसे ही माया ने हमें शरीरों में आकर्षित कर दिया कि इनमें सुख है बिल्कुल नहीं है भ्रम है सच्ची मानिए पर यह भ्रम केवल भगवत शरणागत से केवल भगवत भजन से ही जाएगा जहासु कृपा सब भ्रम मिट जाई गिर जा सोई कृपालु रघुराई जहां आप प्रभु के चरणारविंद में पूर्ण चित्त को लगाने की चेष्टा करेंगे कृपालु कृपा कर देंगे फिर आप परिणाम देखेंगे गुरु नानक जी कह रहे हैं गुरु कृपा जे ही नरपे की नी तिन यह जुगति पिछानी गुरु कृपा करके युक्ति बताते हैं और युक्ति जिसने स्वीकार कर लियो पहचान गया सब नकली है फिर उसे कोई नहीं भ्रष्ट कर सकता पर इसके लिए थोड़ी दृढ़ता चाहिए जहां आप आज ही निश्चय मान लो करो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो एक सप्ताह के अंदर ऐसी वेदना जागृत होगी कि साहब निश्चय मिट्टी में मिल जाएगा बस आपको इतना सावधान रहना है कि अब ललकार दिया है दुश्मन आएगा भेष बदल के आएगा अंदर से आएगा बाहर से आएगा लेकिन प्राण चाहे निकल जाए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा फिर आप देखेंगे कुछ नहीं बोला केवल ये आधी है आई निकल गई खत्म और एक बार आग्रह उसके आवेश को सह गए तो दूसरी बार कम तीसरी बार कम फिर एक दिल ऐसा आएगा इस पूर्णा फिर खत्म निष्काम हृदय ओ कितना अपार आनंद उस हृदय और आनंद मिलता है जैसे आपकी फिसलन की जगह आई और आप फिसले नहीं तो जानते हो जे ही वो घटना हटी तो फिर आपके हृदय में और आनंद होता है और प्रभु से आसक्ति होती ओहो कितनी कृपा जहां मैं डर रहा था कि यहां फिसल जाऊंगा देखो कितने कृपाल प्रभु कितना वो स्वयं का होता है कितना अध्यात्म आनंद प्रभु प्रदान कर रहे बलिहारी है हे करुणा निधान और वो आगे बढ़ता चला जाता है आप निश्चय करो मैं झूठे सुखों को भोग करके अपने आध्यात्मिक बल को नष्ट नहीं करूंगा अपने सच्चिदानंद समय को नष्ट नहीं करूंगा ये निश्चय आप करो गुरु युक्तियां प्रदान करता है उन युक्तियों से अपने आप को बचा लो गुरु कृपा जी नरपे कि तिन यह जुगति पिछानी नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी ये ये है ज्यो पानी संग पानी केवल वो माया का विकार तरंग दिखाई दे रही थी माया का विकार वायु विकार हटा अब जल और तरंग दो नहीं रह गई केवल जल ही जल रह गया ये जो जीवत्व तो है ये देहाभिमान है ये अविद्या के प्रव ये हटा तो गोविंद गोविंद जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवती वो प्रभुमय होकर प्रभु की लीला में सम्मिलित होता है प्रभुमय होकर अपने प्रभु के स्वामित्व भाव को स्वीकार करके सेवा में मगन रहता प्रभुमय होकर के हितमय होकर के हित धाम में प्रवेश पाता है हित लाड़ली लाल की हित भाव के द्वारा वो सेवा करता रहता है जो पानी में पानी अपना अस्तित्व ही मिट गया इसलिए सर्व तो भावेन ये दृढ़ निश्चय करो गुरु कृपा बल से सब कुछ हो सकता है कहो कृपाते कहा न होई जन्म हम श्री प्रियालाल के चरणों में समर्पित करते हैं कोई भी अधर्माचरण पापाचरण हमारे द्वारा नहीं होगा यदि कहीं ऐसी गलती हो जाए तो उसे सूक्ष्मता से जांच करो क्यों हो गया क्या खान पान बिगड़ा क्या कोई अपराध बन गया क्या कोई अहंकार आ गया जो हमसे ऐसी चेष्टा हो गई जांच करो गुरुजनों के चरणों में बैठकर जांच करो निवेदन करो और आगे बढ़ो सच्चिदानंद प्रभु आपके स्वागत के लिए खड़े हैं ये जीवन केवल प्रभु मिलन के लिए है चलते हैं पूज्य पाठ से उड़िया बाबा जी के पावन चरित्र का कथन श्रवण करते हैं पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज श्री बाबा के आश्रय में हुए उड़िया बाबा के आश्रय में उन्हीं के श्रीमुख के बचन मैंने जीवन मुक्त महापुरुष की शास्त्रों में रहनी सहनी ये सब पढ़ी तो मेरे मन में लालसा थी कि जो शास्त्रों में लिखा है ऐसा जीवन मुक्त महापुरुष क्या कभी मेरी दृष्टि में आएगा पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज मेरे हृदय में बड़ी लालसा थी श्री भागवत का अध्ययन करके भागवत की साप्ताहिकी कथा कहने का उत्साह तो मैं सबसे पूछता क्या कोई जीवन मुक्त महापुरुष अभी है जिसके मैं दर्शन कर सकता हूं तो मुझे सुनने को मिला कि पूज्य पाठ उड़िया बाबा जी महाराज जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसे मूर्तिमान जीवन मुक्त महापुरुष है बड़ी दर्शन की लालसा लगी जो भी संत जन मिलते वो बाबा की महिमा वर्णन करते फिर कल्याण में बाबा के उपदेश पढ़े तो हृदय में बस निश्चय हो गया कि हमारे जीवन धन बाबा ही है उड़िया बाबा ही है दर्शन की प्रबल लालसा हुई उस लालसा की पूर्ति सबसे पहले हुई प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में बाबा कृपा करके वहां पधारे उन दिनों मुझे कथा कहने का अवसर वहां दिया गया था श्रीमद भागवत का और हमने नियम ले रखा था कि जब बोलेंगे तो श्रीमद भागवत बोलेंगे नहीं तो मौन रहेंगे श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज बोलना है तो सिर्फ भागवत के श्लोक और भागवत चर्चा नहीं तो मौन कथा के अतिरिक्त एक भी शब्द नहीं बोलता था कथा में ही चलते फिरते उस ब्रह्म का मुझे पहली बार दर्शन हुआ मैं श्रीमद भागवत की कथा कह रहा था इतने में साहब भक्त जन उत्साहित हुए दौड़ने लगे पूछा क्या भूले उड़िया बाबा जी महाराज आ रहे अंदर से बहुत समय से इंतजार था कि कैसे दर्शन हो सायंकालीन समय जे भी देखा बड़ा अद्भुत स्वरूप महाराज जी का साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म वैराग्य झलकता था एक एक रोम से समीप गया प्रणाम किया बैठे कोई न कोई कोई प्रश्न करने लगता तो हमारे भी मन में था विद्वता की मूर्तिमान साक्षात स्वरूप स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज मतलब चलते फिरते ग्रंथालय कहीं भी किसी भी श्लोक का कोई भी नंबर कोई भी परिचय सब स्वामी जी को कंठस्थ था विद्वता की साक्षात मूर्ति श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज हमने बाबा से पूछा कि पुनर्जन्म किस वस्तु का होता है उड़िया बाबा से श्री स्वामी अखंडानंद जी ने प्रश्न किया पहले ही मिलन में मैंने अपने मन में सोच रखा था क्योंकि वेदांती वेद ग्रंथों का खूब स्वाध्याय था वेदांती मतलब समस्त शास्त्रों का ज्ञान था मैंने सोचा कि बाबा उत्तर देंगे कि सत्रह तत्वों वाले लिंग शरीर का ही पुनर्जन्म होता है साथ ही कहेंगे कि मनुष्य इस जन्म में जो सुख दुख रूप फल भोग रहा है इससे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों की सिद्धि होती है तथा इस जन्म में किए जाने वाले कर्मों के फल अभी देखने में नहीं आते इसलिए आग, आगामी जन्म सिद्ध है अभी सुख दुख भोग रहे इसका मतलब पीछे हमने कर्म किए हैं इसका मतलब पीछे जन्म हुआ था आज जो कर्म कर रहे हैं इसका मतलब अगला जन्म होगा यदि भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती स्वामी जी महाराज ऐसा सोच रहे हैं अभी भागवत प्रवक्ता है संन्यास नहीं लिए श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ईश्वर का स्वरूप और पुनर्जन्म के विषय में बाबा से प्रश्न किया मैंने सोचा कि बाबा ठीक ऐसे ही देंगे क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही लिखा है परंतु यह सब मेरे मन की ही कल्पना थी उत्तर तो कुछ और ही हुआ बाबा ने कहा इतना ज्ञान और इतना विचार पुनर्जन्म के निषेध में लगाया जाता है कि पुनर्जन्म की सिद्धि में लगाया जाता है सब खत्म हो गया <laughs> कि इतना ज्ञान है इतना विचार है तो पुनर्जन्म होने के लिए यह सब ज्ञान विचार लगाया जाता है पुनर्जन्म का निषेध करने के लिए कि पुनर्जन्म हो ही ना और भगवत साक्षात्कार हो ये शब्द सुनते ही हमें इतना आनंद हुआ कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा बोलेंगे। आश्चर्यचकित, सीधी सादी बात बड़ी मर्म वाली बात कि जो अविद्या से सिद्ध वस्तु है जन्मना मरना विवेक विचार के द्वारा उसी को तो मिटाना है, उसकी सिद्धि के लिए थोड़ी ज्ञान बघाया जाता है ज्ञान तो उस जन्म मृत्यु के चक्र को रोक कर सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होने के लिए है उन दिनों झूसी के सुप्रसिद्ध संत ब्रह्मचारी प्रभु दत्त जी महाराज एक वर्षी नाम यज्ञ की आती का समारोह कर रहे थे एक वर्ष तक का नाम का अनुष्ठान लिया गया था कि सब फलाहार करेंगे थोड़ा दूध, थोड़ा फल लेंगे और सब समय से आकर के नाम जब एक वर्ष तक अनुष्ठान चला था बड़े बड़े संत जन बड़े बड़े उत्तम साधक उसमें सम्मिलित हुए थे झूसी में तो उसकी पूर्णाहुति का समारोह था मैं भी साधक के रूप में यज्ञ का एक होता था अर्थात तो मैं भी अनुष्ठान में सम्मिलित हुआ था महाराज श्री के तत्वाधान में इस महोत्सव का आयोजन हुआ फिर प्रयाग में पंचकोशी परिक्रमा हुई बाबा के एक निजंत थे ब्रह्मचारी श्री कृष्णानंद जी वो निज जन क्या थे भक्तों की भावना थी कि बाबा अगर शंकर है तो श्री कृष्णानंद ब्रह्मचारी जी साक्षात गणेश हैं ऐसा वो इतने आकृति प्रकृति से भी गड़े से ही लगते थे तगड़े तंदुरुस्त और खूब बाबा की आज्ञा का पालन बाबा की ही सेवा में रहते थे एक दिन उनके समीप बैठे पूछा कि भगवान कृष्ण के उपासक जितने हैं तो सबको एक ही रूप के दर्शन होते हैं या अलग अलग दर्शन होते हैं जैसे अब सब मिल एक ही कृष्ण प्रेमी है सैकड़ों तो जब इनको भगवत साक्षात्कार होगा तो उन्हीं कृष्ण का होगा या अलग अलग होगा तो कोई बाल रूप में कोई किशोर रूप में कोई गोपीवल्लभ रूप में कोई पार्थ सारथी के रूप में सब अलग अलग, अलग, अलग उपासना करते हैं तो सबको क्या एक ही कृष्ण के दर्शन होंगे क्योंकि कृष्ण तो एक ही है तो ये उत्तर हुआ कि एक ही कृष्ण के दर्शन क्यों होंगे भक्त के भाव के अनुसार श्री कृष्ण के अलग अलग दर्शन होंगे तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है जब भगवान एक ही है श्री कृष्ण एक ही है और सैकड़ों भक्त उन्हीं की उपासना करते हैं तो अलग अलग दर्शन कैसे हो सकते हैं एक ही प्रभु के तो दर्शन होंगे तो यह हुआ कि प्रभु भक्त के अनुसार दर्शन देते हैं जैसे एक उपासना कर रहा कृष्ण की पर वृंदावन बिहारी रूप में एक उपासना कर रहा श्री कृष्ण की पर मथुरा नायक रूप में एक उपासना कर रहा श्री कृष्ण की पर द्वारिकाधीश के रूप में तो अलग अलग दर्शन होंगे है तत्व वही लेकिन आपकी जैसी भावना है ठीक वैसे ही ठाकुर जी दर्शन देंगे अब सखा भाव वाला है तो ठाकुर जी जब दर्शन देंगे तो सखाओं के साथ देंगे गोपी भाव वाला है तो गोपी वल्लभ के रूप में किशोरी जी के चरणों के आस तो राधा वल्लभ रूप में प्रभु वही है लेकिन जैसी भक्त भावना करेगा तो वैसे ही दर्शन देंगे इस विषय में हमारा आपस में चर्चा होती रही फिर यह हुआ कि फाइनल बाबा से ही करवाया जाए पूज्यपात सिरिया बाबा जी से तो पूछा कि बाबा एक ही कृष्ण के उपासक सैकड़ों हैं तो सबको श्री कृष्ण एक ही दर्शन देते हैं अलग अलग देते हैं तो भगवान के उपासना में रत भक्तों के अनुसार प्रभु सबको अलग अलग दर्शन देते सब भक्तों के अलग अलग कृष्ण हैं बाबा ने उत्तर दिया तत्व तो एक ही है लेकिन जो भक्त जैसी भावना करता है ठाकुर ये था मृद्यं तास्तवी भजाम हम जब जब जिस जिस भक्त ने जैसी भावना की ठाकुर वैसे ही दर्शन देते और तुम्हें सूक्ष्म बात बता दे हर भक्त को हर बार नए ही दर्शन होते हैं हर भक्त को ऐसा नहीं कि पुराने वाले श्री कृष्ण नवम 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 ये बात सुनते ही अखंडानंद जी महाराज आनंद मगन हो गए कि कैसी रसमयी बात बाबा वर्णन कर रहे बाबा तत्व ही नहीं स्वयं तत्व स्वरूप थे उनकी वाणी तत्वज्ञ की वाणी नहीं स्वयं तत्व की वाणी थी स्वयं तत्व बोलता था वेदांत का जो कल्याण निकालने वाले थे तो सब परिकर भाई जी वे सब आए हुए थे अन्य जिज्ञासुओं के साथ आपका वेदांतक विषय सत्संग चल रहा था उसमें मैं भी सम्मिलित था एक दिन मैंने पूछा महाराज जी आत्मा तो अपना स्वरूप ही है अतः वो अपने से कभी परोक्ष हो ही नहीं सकता फिर आत्मा का परोक्ष ज्ञान कैसे मैं तो समझता था कि महाराज जी कहेंगे कि ज्ञान सर्वदा अपरोक्ष ही होता है परंतु आप तो कुछ और ही उत्तर देते थे क्योंकि अनुभवी महापुरुष थे बोले ज्ञान अपरोक्ष भी नहीं होता अरे ना परोक्ष होता है अरे स्वयं का क्या परोक्ष और क्या परोक्ष स्वयं का ये थोड़ा ज्ञान का विषय है स्वयं का क्या परोक्ष और क्या अपरोक्ष केवल जिज्ञासुओं का भ्रम मिटाने के लिए परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान की कल्पना की जाती है मैं सुनकर चकित हो गया कि जो शास्त्रों में सूक्ष्मता से वर्णन किया गया उससे अनुभूत विषय बाबा बोल रहे हैं यदि उस समय मुझे दृढ़ निश्चय था कि मैं तत्व तो ज्ञानी हूं पर जब बाबा की बात सुनी तब पता चला कि अभी वो ज्ञान नहीं हुआ जो होना चाहिए महाराज जी से एक दिन प्रश्न किया कि जीवन मुक्ति श्रेष्ठ है या विदेह मुक्ति श्रेष्ठ है तो बोले भैया दोनों का संकल्प ही अमंगल है दोनों का संकल्प बड़ा सूक्ष्म विषय है देह मुक्ति और जीवन मुक्ति ये देह को और जीवन को लेकर के ही तो है स्वरूप तो मुक्त ही था मुक्त ही है मुक्त ही रहेगा तो बोले क्यों बीच में जीवन को मिला रहे हो अलग हटके देखो तो आप मुक्त ही थे विदेह मुक्त और जीवन मुक्ति बाहरी बातें हैं आंतरिक बात यह है कि ना देह को कभी तुम स्वीकार किए थे ना देह कभी आत्मा में स्थित था केवल तुम्हारा भ्रम था उसी भ्रम का निवारण करना इसमें श्रेष्ठ नहीं ये जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति कोई श्रेष्ठ नहीं क्योंकि हमारा स्वरूप पहले ही जीवन मुक्त है हम स्वयं भ्रम से जीवन को स्वीकार किए हुए हैं संन्यास लेने के पहले ही जब बाबा से मिला तो मैंने निश्चय कर लिया कि अब सन्यास लेकर केवल बाबा के ही समीप रहना है स्वामी जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज ने संबत 1941 माघ शुक्ला को संन्यास लिया और सीधे फिर वहां से बांध पहुंचे जहाँ उड़िया बाबा जी विराजमान थे और संकल्प ले लिया कि बाबा की ही आज्ञा में बाबा के ही चरणों में रहना है चातुर्माश चल रहा था कर्ण में बड़े बड़े विरक्त महापुरुष बाबा के आसपास विराजमान थे जैसे कमल में जब पराग आता है तो भौरे आ जाते हैं ऐसे ही ब्रह्मबोध युक्त महापुरुष आसपास सब जन एकत्रित थे अखंडानंद जी स्वामी जी ने संकल्प कर लिया कि आजीवन अब बाबा की ही सेवा में रहना है बाबा की ही आज्ञा में रहना है हमने बाबा को देखा है कि जो शास्त्र में लिखा है कि पश्चित कश्चिदेन कश्चि आश्चर्य वी तथान्य वो हमने बाबा में देखा है सर्वाश्चर्यमय ब्रह्मबोध की स्थिति एक बार बाबा के समीप बैठे हुए एक जिज्ञासु ने कहा कि बाबा आप तो ब्रह्म हैं बाबा ने कहा तू ब्रह्म को आंखों से देखकर पूछ रहा है क्या तू ब्रह्म को आंखों से देख रहा है अगर कह देते हां तो क्या ब्रह्म तेरा दृश्य है ब्रह्म क्या तेरा दृश्य है जिज्ञासु से कहा कि क्या तू तो ब्रह्म को अपनी आंखों से देख सकता है तो जिज्ञासु ने कहा कि फिर बाबा आप ज्ञानी हैं तो ज्ञान होने पर क्या ज्ञान का यह अभिमान होता है कि मैं ज्ञानी हूं ज्ञान का यह अभिमान होता है मैं तब क्योंकि ज्ञानी वही है जिसको यह है कि मैं ज्ञानी हूं क्या ज्ञान होने पर कोई ज्ञान धर्मी रहता है क्या तो जिज्ञास ने क्या फिर क्या आप अज्ञानी है उड़िया बाबा से तो उड़िया बाबा बोले बावरे क्या अज्ञान कभी दृष्टि में आया है किसी के अज्ञान कभी दृष्टि की अज्ञान है यह अज्ञान है तभी तो अज्ञानी कहोगे अज्ञान कभी किसी ने देखा है तो जिज्ञासु बोले कि तुम तो महाराज फिर आप ही बता दो आप कौन हैं तो उड़िया बाबा ने कहा तुम इतना समझ लो कि मैं चराचर जगत का एक सेवक हूं उड़िया बाबा ने कहा ओहो अखंडानंद स्वामी जी कह रहे ये उत्तर सुनते ही मैं समझ गया क्यों हो ये उत्तर अर्थात चराचर का सेवक तो सिर्फ भगवान हो सकते हैं या भगवान की स्थिति को प्राप्त हुआ महापुरुष हो सकता है क्योंकि चराचर रूप में वही विराजमान है चराचर का सेवक जो बाबा बोले या तो भगवान साक्षात ऐसे या भगवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हो सकते हैं श्री मुनिलाल जी आदि कुछ भक्तों ने बाबा से कहा कि बाबा हम आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं जीवनी लिखना चाहते हैं तो बाबा ने पूछा कि क्या लिखेगा जीवनी में क्या लिखेगा जीवनी में क्या लिखेगा आप बोले संतों की जीवनी लिखने से बहुतों को लाभ होता है संतों की जीवनी कागज पे नहीं लिखी जाती दिल पे लिखी जाती है उनके जीवन को अपने आचरण में उतारा जाता है संतों संतों की की जीवनी कागज में लिखने की वस्तु थोड़ी होती है, बेटा। संतों का जीवन तत्व का जीवन है तत्व स्वरूप है उसे अपने दिल में उतारो तुम भी संत बन जाओगे संतों का अमर एक रस में स्थिति होती है वो हृदय में आविर्भाव होता है इसलिए संतों की वास्तविक जीवनी है कि उपासक अपने हृदय में उदाहरण करे सब मौन हो गए क्या आप इसके आगे बोले महाराज श्री के सामने जल्दी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बोल ले। तो कि एक होता है एक महापुरुषों की महिमा होती है एक दिन किसी प्रसंगवश बाबा के सामने बोलने का अवसर है तो हमने कहा जीव को अपने को भगवान का भोग्य समझना चाहिए इसी का नाम भक्ति है कि मैं भोग्य हूं और भगवान हमारे भोगता है जैसा गोपी भाव में आता है यही भाव आता है कि मैं भोग्य हूं श्री कृष्ण हमारे भोगता है भक्त की दृष्टि अपने सुख पर कभी नहीं होती सर्वदा अपने प्रीतम को ही सुख प्रदान करने की होती है बाबा देखे और मुस्कुरा दिए श्री पूज पादड़िया बाबा सायंकाल में जब उनकी चरण सेवा में गए तब बोले भैया जीव भगवान का भोग्य हो सकता है तुमने कहा कि जीव अपने को भोग्य समझे और भगवान को भोगता समझे जीव का परम प्रेमास्पद जो स्वरूप है वो श्री कृष्ण ही है आत्मा ही है तो यहां भोगता और भोग्य भाव कैसे तुम बोल दिए बाबा ने श्री स्वामी अखंडानंद जी को शायद इस कोई अंतर्मुख साधक होगा वही ये समझ पाएगा कि जो हमारा स्वरूप है जैसे भगवान ने भागवत में कहा कि मैं ही था मैं ही हूं मैं ही रहूंगा तो ये मैं अलग से जो मान रहा हूं कि मैं ये मैं कहां से है? वही मैं तो है ना तो वही मैं तो आत्मा स्वरूप से है ना तो कह रहे भोगता कैसे हो सकता है वो जीव भोग्य है प्रभु भोगता है अरे वही भोग्य है वही भोगता है वही स्वयं भोग्य बना हुआ है वही भोगता इसे भेद करके स्वामी जी ने वर्णन किया लेकिन श्री उड़िया बाबा जी ने कहा देखो ये भ्रम की बात मत करो ये भ्रम हो जाएगा कि जीव भोग्य है और भगवान उसके भोगता है नहीं नहीं वही मैं तत्व तो ही अपने को ये भोगता और भोग्य भाव से देख रहा है यही भ्रम हो गया है ये सूक्ष्म कोई अन्य नहीं वो प्रीतम ही आत्मा स्वरूप से बना हुआ जो आत्मा है वही मैं मैं ही आत्मा आत्मा ही मैं इसमें कोई अंतर नहीं सच्ची सच्ची किशोरी महात्मा नम की भी सुकुमारी ऊंची बात है जब तक वहां नहीं पहुंचेगा तब तक समझ में नहीं आएगा तर्क उठ जाएगा कभी किसी का भोग्य या दृश्य जीव नहीं हो सकता क्योंकि स्वयं आत्मस्वरूप है चेतन अमल सहज सुख राशि वो किसी का भोग्य नहीं हो सकता क्योंकि वही है वही है इसलिए या तो यही बोलो कि वही भोग्य वही भोगता है ऐसा नहीं कह सकते कि जीव भोग्य है और भगवान उसका भोगता है सी पूज पादड़िया बाबा जी ने कहा जो जीव विषय का भोगता है उसे संसारी कहते हैं और जो जीव भगवतानंद का भोक्ता होता है उसे भक्त कहते हैं भगवान जीव के भोक्ता नहीं होते भगवान जीव का भोग थोड़ी करते क्योंकि वो और है ही नहीं एक ही चीज है आत्मस्वरूप को ना जानने के कारण हम भूल करके अपने को देह मान लेते हैं स्त्री पुरुष नाना प्रकार के भाव जो योगी समाधि का भोगता होता है उसे योगी कहते जो संसार के विषयों का भोगता है उसे संसारी कहते जो भगवदानंद का भोगता है उसे भक्त कहते कहीं भी बताओ कि भगवान भोग कर रहे हो योगी समाधि का जो आनंद लेता है उसे योगी कहते संसार का जो आनंद ले रहा है उसे भोगी संसारी कहते जो भगवदानंद ले रहा है उसे भक्त कहते या भगवान थोड़ी भोग कर रहे हैं जीव भोग्य नहीं है जीव तो स्वयं भगवदानंद का भोग कर रहा है भगवदानंद अपनी आत्मा ही तो है आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद बहुत सूक्ष्म विषय हम अर्जे रहते हैं अज्ञान के कारण मैं भगवान का भोग्य हूं ये भावना अलौकिक रस में नहीं पहुंचने देगी पूज्य बाबा ने श्री स्वामी अखंडानंद जी को कहा इसलिए आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती भवती जो कुछ भी प्रिय लग रहा है वो आत्मा के कारण लग रहा है वही आत्मा श्री कृष्ण वही आत्मा वो दूसरा नहीं है वही आत्मा श्री कृष्ण है वही मैं तत्व श्री कृष्ण आत्मस्वरूप से हमारे स्पूरित हो रहे हैं ये श्रुति कह रही है ये शास्त्र कह रहे हैं इसलिए कहीं ऐसा भ्रम ना हो जाए कि जीव भोग्य है और भगवान उस भोगता है श्री भोले बाबा जी एक सुप्रसिद्ध वेदांत निष्ठ संत थे जब उनका देहावसान हुआ तो मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये भूले बाबा तो बहुत अच्छे संत थे क्या ये जीवन मुक्त हो गए तो बाबा बोले कि बेटा क्या मरने से मुक्ति होती है क्या क्या मरने से मुक्ति होती है अरे जो मुक्त होता है वो देह रहते हुए मुक्त होता है मरने से कोई मुक्ति क्यों मर गए तो मुक्त हो गए ऐसा नहीं स्थिति स्वयं आ जाती है देखो ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती आपकी क्या स्थिति आपको पता है आपका अगला जन्म होगा या आपको पता चल जाएगा जहां आप नजदीक पहुंचेंगे मृत्यु के तो आपके हृदय में वो आकृति आ जाएगी जो आपका अगला जन्म होना है वो भावना बता अगर विवेकवान हो तो समझ में आ जाएगी कि अभी मेरा काम नहीं बना और यही हो जाता है हो गया काम मेरा अंदर से होता है अपना काम हो गया कोई वासना नहीं कोई सोच नहीं कोई चिंता नहीं कोई भय नहीं और वो इस, वो स्वयं हृदय की अनुभूति विषय होती दूसरे का नहीं शरीर रहते हुए काम हो जाए बाबा कहते हैं बात है शरीर रहते हुए मरने के बाद तो कुत्ता बिल्ली भी मुक्त ही है शरीर छूटा सब जो भी आप कहो हाँ जीवन भर प्रपंच में हो आखिरी में लिख दो तो लिखने से नहीं जीवन में तुम कहां स्थित हो बस बात ये देखनी है बेटा ये संसार स्वप्न मात्र प्रतीत करके स्वयं की स्थिति को जागृत कर ले जीते जी इस संसार प्रपंच से मुक्त हो जाए इसे मोक्ष कहते सही छूटने के बाद क्या गति हुई इस पर ध्यान नहीं देते बड़ा आश्चर्य हुआ बाबा की इस बात पर बाबा से मैंने पूछा कि गुरु के संबंध में बहुत शास्त्रों में पढ़ा लिखा है सोचा समझा भी है परंतु मेरी इच्छा है गुरु तत्व पर सुलझ करके समझने की कैसा कैसा गुरुदेव होना चाहिए जिससे साधक का भागवतिक स्वरूप प्रकाशित हो जाए तो बाबा ने कहा कि बाहर का आकार केवल पांच भौतिक है साधक को ऐसा चिंतन करना चाहिए सामने हमारे वस्तु मूर्तिमान विराजमान है अर्थात मूर्ति धारण करके परम तत्व ही विराजमान है जो अपने गुरु को ऐसे देखता है कि अरे गुरु बिछुड़ने वाले हैं गुरु शरीरधारी हैं गुरु हमारे मर गए हैं वो पतित है वो समझ नहीं पा रहा गुरुदेव को केवल पांच रूप धारण किए हुए विराजमान जब ऐसी भावना से आप गुरु को स्वीकार करेंगे तो गुरु की मूर्ति तुम्हारे मन में बस जाएगी और जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तब तक वो गुरु की मूर्ति हटेगी नहीं पुजुड़िया बाबा ने बताया कि गुरु तत्व ऐसा होता है कि जैसे आपने गुरुदेव को भगवत स्वरूप मान करके वर्ण किया तो आप देखना आपके मानस पटल पर छा जाएंगे गुरुदेव उठते बैठते चलते फिरते उन्हीं का चिंतन उन्हीं का मनन अब वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा देंगे आपके मानस पटल पर छा जाएंगे चा, अगर चूक हो गई तो जन्म लेना पड़ेगा लेकिन गुरु रहेंगे तुम्हारे मानस पटल पर रहेंगे तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएंगे अगर चूक हो गई तो एक जन्म और लग सकता है पर गुरु नहीं वही गुरु तुम्हारे मानस पटल पर छा जाएंगे और आपको परम पद में आरूढ़ अंतर देश में गुरुदेव प्रवेश कर जाते हैं और जब शिष्य जन्म लेता है तो गुरुदेव उसके हृदय में ही जन्म ले लेते हैं और उसको ग्रंथि का भेदन करके अंतकरण को बाधित करके अंतकरण के धर्म से ऊपर उठा करके उसे भगवत प्राप्ति करा के ही छोड़ते हैं जो सच्चे सदगुरुदेव होते हैं एक बार यदि सही गुरुदेव की प्राप्ति हो गई तो निश्चित समझ लो बिना शिष्य को मुक्त किए गुरुदेव मुक्त नहीं होते बिना शिष्य को गुरुदेव मुक्त किए स्वयं मुक्त नहीं होते उसके मानस पटल पर जाकर स्वयं बंधन स्वीकार कर लेते हैं कहना नहीं होगा कि उनके इस उपदेश के पूर्व इस संबंध में मेरी जानकारी यह नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है एक बार मैंने सुना था किसी महात्मा से कि अपने शिष्य से कह रहे थे कि बेटा जब तक तुम्हें भगवत साक्षात्कार नहीं होगा तब तक मैं मुक्त नहीं होऊंगा मैं अपने को भी तेरे बंधन में रखूंगा तो मुझे समझ में नहीं आया पर जब बाबा ने बताया तब समझ में आया कि गुरुदेव शिष्य का वर्ण करते हैं शिष्य गुरुदेव का वर्ण करता है तो गुरुदेव की मूर्ति मानस स्वरूप में प्रवेश हो जाती है और शिष्य को भगवत प्राप्ति करा के ही छोड़ती है ऐसा नहीं होता कि मंत्र दे दिया उपदेश दिया आप बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे अच्छा करोगे तो अच्छा ये गुरु कृपा नहीं गुरु कृपा है अंदर प्रवेश कर गई आप तुमको जबरदस्ती घसीटते हुए बुरा करोगे चलोगे चैन से नहीं रहोगे भागना पड़ेगा प्रभु की तरफ जी नहीं सकते तुम अब तुम्हारा काम संसार में फंसना नहीं मुक्त तो होना है अब तुम फंस के देख लो गुरु बैठ गए अंदर ही बैठ गए आग लगा देंगे तुम्हारे तुम्हें तो भागना पड़ेगा वृंदावन प्रियालाल श्यामा श्याम अब बुरा फंस गए कैसे निकले अब ना तो संसार अच्छा लगता है ना भगवान से प्रेम हुआ है करे तो क्या करे वो जलेगा अब आना पड़ेगा ऐसे कितले है? देख लो अंदर से देख लो वृंदावन धाम का आश्रय लो प्रियालाल रूपी सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लो ये कृपा करके ऐसा पकड़ लेंगे ये पकड़ लेंगे ये पकड़ लेते गुरु पकड़ लेता है महापुरुष साधक के जीवन में बाह्य रूप से पथ प्रदर्शन करते हैं और अंतर चेतना में जाकर विराजमान होकर के पथ प्रदर्शन करते हैं जो भगवत अनुरागी जन होते हैं दो रूप से एक तो बाहर सत्संग आदि या प्रवचन उपदेश आदि के द्वारा और दूसरा अंदर में प्रवेश करके बैठ जाते हैं जैसे अर्जुन के घोड़ों की लगाम पकड़ करके बैठ गया ठाकुर ऐसे ही गुरुदेव बैठ जाते हैं इसी से साधकों को स्वप्न में संतों के दर्शन गुरुदेव के दर्शन आध्यात्मिक उपदेश ये प्रारंभ हो जाते हैं पहचान कि गुरु आपके मानसिक स्वरूप में प्रवेश हो गए ये आपके स्वप्न में गुरुदेव का आना स्वप्न में आना उपदेश देना दुलार करना डांटना फटकारना गलती वहां हो रही वहां सुधार करवा ये सब होने लगता है जब आपके मानस पटल में गुरुदेव जाएंगे तो आप चाहे हजारों कोष दूर हो आपको दिखाई देगा आज स्वप्न में गुरुदेव आए आज हमको ऐसा बोले आज ऐसा दुलार किए मानो गुरुदेव भगवान प्रवेश कर गए आपके मानस पटल पर अब आपका कल्याण निश्चित है इसी से साधकों को स्वप्न में वो दर्शन देते हैं ध्यान के समय दर्शन होने लगता है चलते फिरते उसे दिखाई देने लगता है कि गुरु एक दिन सत्संग में बताया था कि गुरु यहीं बैठा रहता है आज्ञा चक्र में ही गुरु बैठा रहता है आंख खोलो तो गुरुदेव आंख मूंदो तो गुरुदेव कोई भी चेष्टा करो तो सवार रहते हैं इस विषय में गुरु जी ने जो कहा है वो हर समय बात आएगी मना किया उन्होंने ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं देखना कोई भी चेष्टा होती है वो भय सवार कर देते देखो ऐसा करोगे तो ऐसा वो गुरुदेव यहीं बैठे मानो अर्जुन के रथ की लगाम श्री कृष्ण रूपी गुरुदेव ने पकड़ रखी है शिष्य के आज्ञा चक्र पर गुरुदेव विराजमान हो जाते हैं श्री महाराज जी के भक्तों में भी ऐसे कितने अनुभव हुए कि पूज पादुड़िया बाबा जी महाराज स्वप्न में जाते उनको उपदेश करते यद्यपि स्वप्न की मेरे में कोई विशेष आस्था नहीं है फिर भी मैंने देखा है कि बाबा कई बार हमारे स्वप्न में आए श्री अखंडानंद स्वामी जी कह रहे हैं एक बार मैंने देखा कि बाबा कटिकाशिनी धारण किए हैं मोर मुकुट धारण किए हुए हैं बंसी लिए हुए हैं तो मैंने देखा है तो श्री कृष्ण है लेकिन जब नजदीक से देखा तो देखा उड़िया बाबा है कि श्री कृष्ण रूप धारण किए हुए जो गुरुदेव है वही, वही गुरुदेव है।, है कि हमारे कुछ एक जमीन थी जिसका हम प्रयोग करना चाहते थे तो उसमें प्रेत रहता था तो देखा कि महाराज जी स्वप्न में आ गए और वहीं एक चबूतरे में बैठ गए और कहा देखो इस भूमि से जो भी लाभ प्राप्त हो वो पैदावार का प्रयोग तुम मत करना ये प्रेत भाग जाएगा अगर तुम पहले ही पैदावार का प्रयोग करोगे इस जमीन की तो वो जाएगा नहीं बस हमने वो बात मान ली तो जो पहली खेती हुई वो सब ऐसे दान पुण्य में दे दी वो प्रेत अंतर ध्यान हो गया अर्थात गुरु छोटी सी छोटी समस्या का समाधान करने के लिए स्वप्न आदि में उसको उपदेश देने लगते हैं एक बड़ा विलक्षण स्वप्न मैंने देखा कि मैं कुटी में सोया हुआ हूं दो तखत पड़े हैं एक तखट में सी बाबा जी लेते हैं और एक में हम लेते हैं थोड़ी देर में देखा दोनों तखत एक हो गए उड़िया बाबा जी मुझे आलिंगन किए हुए फिर थोड़ी देर में देखा कि उड़िया बाबा जी मेरे में समा गए उड़िया बाबा जी मेरे में समा गए मेरे में लुप्त हो गए तब जब मैं जगा तब मुझे अनुभव में आया कि वो स्वरूप अपना अभिन्न अनुभव करा रहे हैं कि मैं ही तुम हूं तुम ही मैं हूं मैं ना तुम वही स्वरूप है अर्थात ब्रह्म स्वरूप ये द्वैत का जो भाव था वो मिटा देने का श्री पूज्य महाराज जी के द्वारा हमें जीवन में ऐसे उपदेश ऐसे आदेश मिले जिससे परमानंद का अनुभव हुआ बड़ी बड़ी अद्भुत सिद्धियां अद्भुत चमत्कार श्री पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के जीवन में देखे श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कह रहे हैं बाबा से कुछ ऐसे श्री स्वामी जी महाराज ने प्रश्न किए जो साधकों के लिए बहुत ही अमृतमय है बाबा कम शब्दों में बता दीजिए कि साधक ये बात पकड़ ले तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी उन्होंने कहा सत शास्त्र की आज्ञा और गुरुदेव में आशक्ति निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी कम शब्दों में जो आपके आचरण है वो शास्त्र सम्मत हो गुरुदेव में हो बात हो जाएगी सत्संग का फल यह है कि संसार तुम्हें धोखे की टटिया जान पड़े बेटा बेटी धन माल खजाना सब एक स्वप्न दिखाई देने लगे तब जानना कि तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा हो गई सब झूठा नजर आने लगे अधिक लाभ उन्हीं को होता है जो नित्य नियम से सत्संग करते हैं उन्हीं से जिनसे इष्ट साधना क्रम मन का मेल होता है अर्थात मिले मन मिले मिले भजन थी। दूसरी निष्ठावान साधकों का संग करने से बचे अपनी निष्ठा के ही साधकों का संग करें। ऐसे संत महापुरुषों का ऐसे साधकों का संग करने से बहुत जल्दी हमें प्रेम की प्राप्ति होती है देखो जैसा हम संग करते हैं वैसा ही हमारे में भाव आने लगता है अगर भगवत प्राप्ति करना है तो ऐसे लोगों से ना मिलो जो व्यापार की बातें करते हैं ऐसे लोगों से ना मिलो जो भोगों की बातें करते हैं साधुओं से मिलो जो परमार्थ की बातें करते हैं प्रेमियों से मिलो जो भगवत चर्चा करते हैं बाबा आजकल तो लोगों में बहुत नास्तिकता बढ़ रही है क्या होगा इस समाज का बाबा से प्रश्न किया बाबा ने कहा तुमने ठेका ले रखा है क्या कुछ भी हो तुम्हें इससे क्या मतलब तुम्हें तो भजन करना है भजन से ही सबकी शांति होगी इससे शांति ने प्राय सबके प्रश्न रहते हैं अरे भाई समाज के विषय में कुछ बोलो तो ये कि किसके विषय में बोल रहे हैं आप सुधर जाओ आप सुधर जाओ आप सुधर जाओ सुधर गई समाज समझ रहे हैं? ना हमें सुधरना है ना तुम्हें सुधरना समाज सुधारना है क्या सुधरेगी समाज अरे हम समाज के एक अंग हैं पहले हम अपने को सुधारें हमारे द्वारा दुराचार नहीं होगा गलत आचरण नहीं होगा हम सबको प्यार भरा जीवन देने की चेष्टा करें स्वयं पवित्र दूसरों को पवित्र एक एक शुरू कर दो पूरी समाज सुधर जाएगी होता क्या है हम मनमानी आचरण करें हम जैसा मनमाने करें हम भगवान के अवतार हैं तुम सुधरो कुछ नहीं होने वाला ढोल के भीतर पोल बस ऐसे ही चलता रहता है बाबा कह रहे हैं जिस पुरुष को समाज को शांति देना हो समाज का मंगल करना हो तो पहले खूब भजन करो तुम सुधरो तुम सुधर जाओ तुम्हारे द्वारा बुरे आचरण रूप यही सच्ची बात है सच्ची बात है धर्मध्वजी बन करके धर्म के झंडे के नीचे हमारे द्वारा पापाचरण हो रहा है समाज का सुधार होगा पहले हम अपना सुधार कर लें अपना कल्याण करो जग का कल्याण स्वयं हो देखो एक महात्मा आनंद में डूबा हुआ जा रहा है हजारों लोग उसके दर्शन से संभाषण से शांति और आनंद को हो रहा ना समाज का कल्याण केवल बात बनाने से प्रवचन करने से समाज का कल्याण नहीं हो जाएगा यदि आचरण नहीं है भजन नहीं है पवित्रता नहीं है तो सब पाखंड है फिर बात नहीं बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो लौकिक समस्याओं की तरफ दृष्टि मत दो जो जैसा कर रहा है वैसा भोग रहा है तुम पहले भजन करो भजन करके अपने को पवित्र रखो फिर देखो संपूर्ण संसार आनंद ही आनंद दिखाई देगा क्योंकि आनंद स्वरूप प्रभु ही है यह पहले तुम अनुभव करो भजनानंदियों को संसार की तरफ नहीं देखना चाहिए दूर सृष्टि आदि वार्ता इसके गुण दोष का चिंतन न करो तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो खूब भजन करो न ना स्वीत न ना निंदेत करता हुआ बदतो गुण दोषाभ्याम वर्जिता समृद्रंग मुनि न कुरियान्न वदेत किंचन न ध्यात साधु साध हुआ आत्मा रामो नया विचरित जड़वन मुनि तुम किसी के ना गुणों की तरफ देखो ना किसी के दोषों की तरफ देखो समदर्शिता का भाव लाते हुए प्रभु का मनन करते रहो किसी के भले या बुरे कर्म की ना तो निंदा करो ना स्तुति करो समदर्शिता का भाव रखते हुए सदैव अपने इष्ट का भजन करो उपासक को चाहिए कि बाहर भला या बुरा जो भी कर्म कर रहे हैं ना स्तुति करो उनकी ना निंदा करो गंभीर भाव से भजन करो तो जान जाओगे कि भगवान ये लीला कर रहा है चित्त में अन्य कुछ विचार मत आने दो एकमात्र सबसे उदासीन होकर भजन परायण रहो देखो महापुरुष जन बोल रहे हैं बोले हमें तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी तुम वो केवल अपने सुख की बात कर रहे हो समाज अरे सब सो रहे हैं स्वप्न में देखा समुद्र में डूब रहे हैं आप कहो सब लोग सहयोग करो रस्सियां लाओ नौका लाओ जहाज लाओ निकालो उसको निकल पाओगे उसको निकाल पाओगे एक ही उपाय है जगा दो बस एक ही उपाय है बार हजारों नौका उसको काम में आने वाली नहीं ये सब मोह निद्रा में सोने वाले हैं इससे जागाओ बस जगाओ जानवय जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा समस्त विषयों से वैराग्यवान होकर भगवत चिंतन में लगो जब असली में जगोगे तो आपका मन ही स्वप्न में सब प्रपंच बना हुआ था ऐसे जितना नाना तो है श्री कृष्ण ही है दूसरा नहीं खत्म सब बात किसका उद्धार करोगे किसका मंगल करोगे तुम तो अपना मंगल कर लो तो तुम्हें दिखाई देने लगेगा कि मंगल भवन प्रभु की शिवा कोई है नहीं शेष चर्चा आगे श्री राधा जय 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 श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री धाम की, श्री सेवक जू महाराज की, की, श्री श्री की समस्त वृंद की श्री वृंदावन धाम श्री रस रानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय with the hardy